अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमने प्लाज्मा फिज़िक्स का जो है वो चैप्टर स्टार्ट करना है, फोर्थ यूनिट। और ये बड़ा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। जितना हमने इससे प्रीवियस चैप्टर्स में किया है स्टडी, ये उसकी आप ये समझ लें कि इस चैप्टर में आप एप्लीकेशंस देखेंगे। ठीक है, तो इसको आपने केयरफुल होके और अंडरस्टैंडिंग के साथ करना है। तो ये है वेव्स इन प्लाज्मा, ये फोर्थ चैप्टर है एफएफ चैन की बुक का, फोर्थ यूनिट है। और ये हमारा जो सिलेबस है, जो आपके कोर्स कंटेंट्स हैं उसके अकॉर्डिंगली ये लास्ट चैप्टर है। दो ये थोड़ा लेंथी चैप्टर है, इसमें टॉपिक कुछ ज़्यादा है, नंबर ऑफ़ वेव्स हैं जो हमने स्टडी करनी है। तो हम इसको एक एक करके जो इसकी वेव्स हैं वो स्टडी करेंगे। ठीक है, अब प्लाज्मा में बहुत सारी वेव्स हैं, प्लाज्मा के अंदर बहुत सारी वेव्स एग्जिस्ट कर रही हैं। कोई सी भी वेव जो है वो हम स्टडी करेंगे। अगर हमारा जो प्लाज्मा है, हमने बार बार उसकी डेफिनेशन में देखा है कि प्लाज्मा कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्लाज्मा कंसिस्ट ऑफ आयंस। तो आयंस से रेलिवेंट भी वेव्स हो सकती हैं और इलेक्ट्रॉन्स से रेलिवेंट भी वेव्स हो सकते हैं। यानी कि इलेक्ट्रॉन को हम फोकस करके भी वेव स्टडी कर सकते हैं, आयंस को फोकस करके भी वेव्स जो हैं वो स्टडी कर सकते हैं। तो लार्ज नंबर ऑफ वेव्स जो हैं वो एट द सेम टाइम जो है वो प्लाज्मा के अंदर एग्जिस्ट कर रही हैं। और हम किसी भी वेव्स को, वेव के हिसाब से जो वेव हम स्टडी करना चाहते हैं, हम उन कंडीशंस के अंडर वो वेव जो है वो स्टडी कर सकते हैं। तो अभी वेव्स के बारे में जो है वो नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें हम ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। उससे पहले जो एक छोटा सा टॉपिक है हम वो कवर कर लेते हैं, जिसमें हमने वेव, जो ज़ाहिर है जब भी हम कोई वेव स्टडी करेंगे तो उस वेव की वेलोसिटी क्या है, वो किस वेलोसिटी से मूव कर रही है, या उसकी डिफरेंट चीज़ें हमने स्टडी करनी है। तो जो हम इसमें वेलोसिटी या जो हम उसकी स्पीड कैलकुलेट करेंगे मैथमेटिकली, उसके बारे में हम थोड़ा सा थ्रेटिकली स्टडी कर लेंगे और कुछ पैरामीटर्स जो हम उसमें यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम किस तरह से वेव को रिप्रेजेंट करेंगे, जाहिर है ये हमारा जो है वो टोटली हम यहाँ पे थ्रेटिकली चीज़ों को डिस्कस करेंगे, थेरी के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो थ्रेटिकली हमने जब डिस्कस करना है तो हमने बहुत सारी चीज़ों को कैलकुलेशंस के ज़रिए एक्सप्लेन करना है, मैथमेटिक्स के ज़रिए एक्सप्लेन करना है, और थ्रेटिकली उनको हमने डिस्कस करना है। ठीक है, क्योंकि एक्सपेरिमेंटली हम यहाँ पे कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कंडक्ट कर रहे कि जिसके ज़रिए हम वेव को देख सकेंगे या वेव को ऑब्जर्व कर सकेंगे, बल्कि हमने इन चीज़ों को मैथमेटिकली और थ्रेटिकली एक्सप्लेन करना है। ठीक है जी, तो यहाँ पे अगर हम सपोज़ ये करते हैं, हम कंसिडर ये करते हैं कि मोस्टली जब भी हम प्लाज्मा में वेव्स को स्टडी करते हैं तो हम जो वेव कंसिडर करते हैं वो साइनोसाइडल वेव है। ठीक है, अब साइनोसाइडल वेव हम इसमें क्यों स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे जो कंसिडर करेंगे कि जो हमारे आयंस हैं, जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो ऑसिलेशंस करते हैं। तो ऑसिलेटरिंग बिहेवियर उनका, और ऑसिलेट इसी वजह से उनकी जो हम ऑसिलेशंस के हिसाब से साइनोसाइडल जो वेव्स हैं वो कंसिडर करेंगे। और आपने वेव्स जो है, वेव्स एंड ऑसिलेशन में पढ़ा हुआ है कि हम कोई भी जो वेव है उसको जब रिप्रेजेंट करते हैं तो हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में वेव को रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सपोनेंशियल रेज टू पावर आयोटा के डॉट आर माइनस ओमेगा टी। ये इस तरह से हम वेव को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपने इसको क्वांटम में भी देखा हुआ तो क्वांटम मैकेनिक्स में भी हम वेव को इस तरह से एक्सपोनेंशियली जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो जब हम इसको वेव को थ्री डायमेंशन में डिस्कस कर रहे होते हैं तो उस वक्त हम इसको के डॉट आर लिखते हैं। और हमें पता है कि जो आर होता है हमारा, हम जो आर कंसिडर करते हैं थ्री डायमेंशन में, आर वेक्टर हमारा होता है एक्स आई वाई जे एंड जी के। ठीक है, तो लेकिन इसी वजह से हम जो एक्सपोनेंशियल यहाँ पे लिख रहे हैं आयोटा के डॉट आर माइनस ओमेगा टी। ठीक है, तो वेव जो है उसका यहाँ पे हम लिखते होते हैं कोई सा भी मैग्नीट्यूड। जब आप क्वांटम में लिखते हैं तो आप यहाँ पे साई लिख देते हैं, और यहाँ पे आप इसको वहाँ वहाँ पे आप वेव को साई से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं और वेव के एम्पलीट्यूड को ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये ऑसिलेटिंग वेव को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अगर हम इसको वन डायमेंशन में लिखें तो फिर हम इसको इस तरह से लिखते हैं ए
ई रेज टू पावर आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी। अगर हम सिर्फ एक डायरेक्शन ले रहे हैं, एक्स डायरेक्शन लें, वाई लें, जी लें, तो फिर हम इसको इस तरह से लिखेंगे। अगर हम थ्री डायमेंशन में ले रहे हैं तो इसको हम डॉट फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक्चुअली जब हम प्लाज्मा की बात कर रहे हैं तो प्लाज्मा के अंदर क्या है, हमने कहा है पार्टिकल्स हैं। मतलब अगर आप ये प्लाज्मा कंसिडर कर रहे हैं और इसके अंदर कोई वॉल्यूम एलिमेंट कंसिडर कर रहे हैं, वॉल्यूम एलिमेंट कंसिडर कर, यानी कि इसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, एक वॉल्यूम के अंदर जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं उसे आपने डिफाइन किया था डेंसिटी एन। तो जब आप कह रहे होते हैं कि आपके जो पार्टिकल्स ऑसिलेट कर रहे हैं तो इसका मतलब है आपकी डेंसिटी ऑसिलेट कर रही है। और अगर आप कहते हैं पार्टिकल ऑसिलेट कर रहे हैं, लेट्स सपोज ये इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन पे भी चार्ज होता है, अगर आप कहीं आयन है तो आयन पे भी चार्ज होता है। तो अगर पार्टिकल आपके ऑसिलेट कर रहे हैं तो आप ये भी कह सकते हैं कि आपका चार्ज ऑसिलेट कर रहा है। और चार्ज जो होता है वो किस पर डिपेंड करता है, चार्ज पर क्या डिपेंड करती है, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज की वजह से क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर आप कहेंगे कि चार्ज ऑसिलेट कर रहा है तो इट मीन्स कि आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो भी इसमें ऑसिलेट कर रही है किसी फ्रीक्वेंसी के साथ। कोई पार्टिकल जो है वो उनकी ऑसिलेटरी मोशन है वो भी किसी, उनकी डेंसिटी है वो भी किसी फ्रीक्वेंसी के साथ ऑसिलेट कर रही है, ठीक है। तो जो भी आपकी क्वांटिटी, यहाँ पे हम कहेंगे कि जो भी आपकी क्वांटिटी ऑसिलेट कर रही है उसको आप साइनोसाइडल वेव के तौर पे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अब जरा बुक में देखें, ये जो है आपकी इक्वेशन, इस इक्वेशन में आप देखें एन जो है वो नंबर ऑफ डेंसिटी, नंबर डेंसिटी जो है वो लिया गया है, और ये इसका जो है वो एम्पलीट्यूड है, और ये इसको थ्री डायमेंशन में लिखा हुआ है, ठीक है। और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में आपका जो के डॉट आर है वो मेंशन किया गया है, के वो के एक्स, के भी आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। अगर आप सिर्फ एक्स डायरेक्शन में लिखेंगे तो जैसे मैंने अभी यहाँ पे सॉरी लिखा था, अगर आप इसको एक्स रखेंगे तो ये के एक्स है, अगर वाई लिखेंगे तो ये के वाई है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप इसको के वेक्टर लेंगे सिर्फ, तो यहाँ पे आप इसको के लिख रहे हैं, ठीक है जी। तो ये आपने इसको वेव को इस तरह से रिप्रेजेंट किया है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, ठीक है। इसको जो आपका ओमेगा है वो क्या है, वो आपकी जायरेशन फ्रीक्वेंसी या आपकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, यानी कि जिस फ्रीक्वेंसी के साथ ये आपकी डेंसिटी या आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जायरेट कर रही है, और जो वो टाइम ले रही है उसको हमने टी से रिप्रेजेंट किया है। के इसमें क्या है, प्रोपोगेशन वैक्टर, इसको बोलते हैं प्रोपोगेशन वैक्टर, ठीक है। आपने अभी तक इसको पढ़ा होगा फिजिक्स में के वेव नंबर, जब आपने इसको वेव एंड ऑसिलेशन में पढ़ा होगा तो के जो है वो आपका वेव नंबर है, ठीक है। लेकिन जब आप इसके ऊपर, जब आप इसको वेक्टर बोलते हैं और इसके ऊपर वेक्टर नोटेशन लगा देते हैं तो फिर ये आपका प्रोपोगेशन वेक्टर है। और ये क्या बताता है कि जो आपकी वेव है प्लाज्मा के अंदर वो किस डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही है, आया एक्स डायरेक्शन में वेव इस तरह से आपकी प्रोपोगेट कर रही है, वाई डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही है, या जी डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही है, ठीक है। तो अगर हम सिर्फ इसका एक्स कंपोनेंट लिखें इक्वेशन 4.1 का, तो आपका जो एक्स कंपोनेंट है वो इस तरह से बनेगा। आप ये देखिए, अब सिर्फ हमने एक्स के लिए लिखा है एन इज इक्वल टू एन एवरेज ई रेज पर आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी। अब यहाँ पे डॉट खत्म हो गया क्योंकि हम थ्री डायमेंशन में नहीं ले रहे, बस हम सिंपल एक ही डायरेक्शन में ले रहे हैं, ठीक है। अच्छा, जब आप इसको ई रेज टू पार आयोटा की फॉर्म में लिखते हैं, किसी भी क्वांटिटी को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं, तो आपको पता है, आपने मैथमेटिकल मेथड्स में ये चीज़ पढ़ी है कि जब भी आप इसको एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में लिखते हैं तो इसमें उस जो भी आपका जो फंक्शन होता है वो उसका रियल पार्ट भी मौजूद होता है और उसका इमेजिनरी पार्ट भी मौजूद होता है। जब भी आप एक्सपोनेंशियल में आयोटा के साथ लिखते हैं तो इसमें इसका रियल पार्ट भी मौजूद होगा और उसका इमेजिनरी पार्ट भी इसमें मौजूद होता है, ठीक है। तो लेकिन हम अगर कंसिडर करूँ, अब मतलब अगर मैं यहाँ पे इसको ओपन करके लिखूँ तो ये आपका बनेगा कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस आयोटा साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, ठीक है। यही फार्मूला होता है ना आपका, कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस आयोटा साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। तो कॉस वाला पार्ट आपका रियल पार्ट है और आयोटा वाला पार्ट आपका इमेजिनरी पार्ट है। अब लेट्स सपोज हम क्योंकि डेंसिटी की फॉर्म में ये इक्वेशन लिख रहे हैं, यानी कि वेव, ये वेव इक्वेशन है और इसमें हमने k
किसकी ऑसिलेशन को, किसको ऑसिलेटिंग फॉर्म में लिखा हुआ है, डेंसिटी को। तो हम कंसिडर करते हैं, हम चूज करते हैं कि जो हमारा एन है, ये जो हम ले रहे हैं इसका मैं एम्पलीट्यूड ले रहे हैं, वो हम रियल कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, तो जब आप रियल कंसिडर कर रहे हैं तो आप सिर्फ उसका रियल पार्ट लेंगे। आप रियल एन ले रहे हैं तो आप सिर्फ उसका रियल पार्ट लेंगे, यानी एन बार कोस के एक्स माइनस ओमेगा टी। ठीक है, तो ये आपका, आपको पता है कि ये जो के एक्स माइनस ओमेगा टी है, ये आपके एंगल की जगह पे है, यानी आप इसको कॉस थीटा भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या है, थीटा। यहाँ पे आपका थीटा क्या है, यहाँ पे आपका थीटा इज इक्वल टू के एक्स माइनस ओमेगा टी है। और आपको पता है वेव्स के चैप्टर में हमने देखा हुआ है कि हम थीटा को किसी भी वेव का फेज बोलते हैं। फेज क्या है, उसकी जो एंगुलर वेरिएशन है उसको हम उसका फेज बोल रहे होते हैं। तो यहाँ पे के एक्स माइनस ओमेगा टी है। ठीक है, तो टाइम भी फिक्स है, डायरेक्शन भी फिक्स है। ठीक है, तो आपकी फ्रीक्वेंसी भी जो उसकी वो फिक्स होगी, तो आपका फेज जो है वो यहाँ पे कांस्टेंट होगा, यानी फेज टू फेज इसमें कोई चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो आपकी जो वेव है वो कांस्टेंट फेज के साथ मूव करती है। और जब आप किसी कांस्टेंट का अगर आप डेरिवेटिव लें, आपको पता है जब भी आप कांस्टेंट क्वांटिटीज़ का डेरिवेटिव लेंगे तो वो क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। ठीक है, तो ये अगर आपका कांस्टेंट है फेज, मैं इसका डेरिवेटिव लूँ तो इसको इस फॉर्म में लिखूँ, डी बाई डी टी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि वेरिएशन किस रिस्पेक्ट से है, टाइम के। डी बाई डी टी के एक्स माइनस ओमेगा टी इज इक्वल टू ज़ीरो आएगा। ठीक है, मतलब मैं अगर आपको इजी वर्ड में लिखूँ कि अगर आपका जो फेज़ है वो कांस्टेंट है, फेज कांस्टेंट का मतलब ये है कि आपका के एक्स माइनस ओमेगा टी इज इक्वल टू कांस्टेंट है आप ले रहे हैं। तो अगर आप इसका विद रिस्पेक्ट टू टाइम डेरिवेटिव लें के एक्स माइनस ओमेगा टी, तो ये आपका ज़ीरो आ गया। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास क्या बनेगा, यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करें तो के आपका बाहर आ गया, डी एक्स बाई डी टी माइनस, और ये आपका ओमेगा टी है तो टी का डेरिवेटिव क्या आएगा, वन आ जाएगा, तो ये ओमेगा एज इट इज़। ठीक है, अब हम के डी एक्स बाई डी टी और ओमेगा को हम दूसरी साइड पे ले चलते हैं। ठीक है, तो डी एक्स बाई डी टी ओमेगा और के को हम इधर डिवाइड कर देते हैं। तो ये डी एक्स बाई डी टी किसका फार्मूला होता है, ये आपका वेलोसिटी का फार्मूला होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास वेलोसिटी कहाँ से आ रही है, ये हमारे पास फेज की वजह से आ रही है। तो इसको हम फाई से इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वी फाई इज इक्वल टू ओमेगा बाई के इज द फेज वेलोसिटी। ठीक है, तो ये वो वेलोसिटी है जिस वेलोसिटी के साथ आपकी वेव जो है वो प्लाज्मा में प्रोपोगेट करती है। यानी कि अगर आपने ये बताना है कि आपकी जो वेव प्लाज्मा में किस तरह से प्रोपोगेट कर रही है, किस वेलोसिटी के साथ प्रोपोगेट कर रही है, तो उसकी वेलोसिटी निकालने के लिए आप क्या फाइंड आउट करते हैं, आप इस फार्मूला से उसकी फेज वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं। तो फेज वेलोसिटी किसी सिंगल वेव की वेलोसिटी है। ठीक है, अच्छा जी, अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि अगर आपकी फेज वेलोसिटी यानी ओमेगा बाई के जो है वो पॉजिटिव है, तो आप कहेंगे कि आपकी वेव जो है वो राइट डायरेक्शन में, टूवर्ड्स द राइट डायरेक्शन जो है वो मूव कर रही है। ठीक है, राइट डायरेक्शन में मूव करने का मतलब ये है कि जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ेगा तो आपका एक्स जो है वो भी इंक्रीज होगा। जैसे जैसे यहाँ से ले लें कि जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ेगा विद द टाइम आपका एक्स भी इंक्रीज होगा। ठीक है, तो अगर ये नेगेटिव है तो इसका मतलब ये है कि आपकी वेव जो है वो लेफ़्ट डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो फॉर नेगेटिव, जब आप नेगेटिव की बात करेंगे तो फिर आपके पास ये डेंसिटी इस फॉर्म में आएगी, एन इज इक्वल टू एन ई रेज्ड पावर आयोटा के, यहाँ पे माइनस की बजाय प्लस साइन आएगा। ठीक है जी, तो जिस तरह यहाँ पे हमने, मैंने आपको पहले बताया कि जो भी क्वांटिटी जो है वो आपकी ऑसिलेटिंग क्वांटिटी है, आप उसके लिए साइनोसाइडल वेव कंसिडर करके साइनोसाइडल वेव जो है वो लिख सकते हैं
उसको ऑसिलेटिंग बिहेवियर जो है उसको आप उसकी वेव इक्वेशन को आप लिख सकते हैं। जैसे मैंने वहाँ पे डेंसिटी के लिए वो उसका वेव इक्वेशन लिखी थी, तो क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया, क्योंकि जिस तरह से आपके अगर आपके पार्टिकल ऑसिलेट कर रहे हैं, आपका चार्ज ऑसिलेट कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऑसिलेटिंग है, तो जब उसके लिए हम साइनोसाइडल वेव लिखेंगे तो हम उसके लिए भी इसी तरह से लिखेंगे। आप ये मैं उसका रियल पार्ट ले रही हूँ, जैसे आपने डेंसिटी का रियल पार्ट लिया है। जनरली तो ये होता है E इज इक्वल टू ई बार ई रेज टू पावर आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी, इतना ही होता है। ठीक है, तो जब आप इसका रियल पार्ट लिखेंगे तो आप सिर्फ कॉज वाला पार्ट लिखेंगे। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ जो आपने पीछे एक्सप्रेशन पढ़ा है वहाँ पे तो के एक्स माइनस ओमेगा टी सिर्फ लिखा हुआ था, तो यहाँ पे के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस पार्शल लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये सिर्फ इसलिए लिखा हुआ है कि इसका जो फेज है वो उससे डिफरेंट दिखाने के लिए। ठीक है ना, हमने जो फेज है उसको डिफरेंट दिखाने के लिए यहाँ पे हमने ये एक एडिशनल क्वांटिटी लिखी है। ठीक है, तो यहाँ पे इस वक्त अभी तक ये जो हम फेज ले रहे हैं वो रियल फेज ले रहे हैं। ठीक है, जैसे आपने यहाँ पे मैंने बात की थी कि अभी तक हम यहाँ पे जो n कंसिडर कर रहे हैं ये हमारा रियल क्वांटिटी है। ठीक है, तो रियल क्वांटिटी है तो हमने सिर्फ जो है वो कॉज का जो है वो पार्ट लिखा है। अगर मैं यहाँ पे ये कहूँ कि फिलहाल तो आपका E जो है वो एम्पलीट्यूड है, वो कांस्टेंट वेक्टर है और वो रियल है, तो क्या हम इसको कॉम्प्लेक्स भी बना सकते हैं? तो हम इसको कॉम्प्लेक्स भी बना सकते हैं। हम इसको कॉम्प्लेक्स किस तरह से बना सकते हैं? आप यहाँ पे ये जो क्वांटिटी लिखी है इसको एक और वे में लिख सकते हैं। आपके पास क्वांटिटी लिखी है E इज इक्वल टू E बार कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस डेल्टा। डेल्टा बोलते हैं, सम पार्शल बोलते हैं। जब आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं, यानी कि अभी मैंने इसको रियल की बजाय इसको फुल फॉर्म लिख रही हूँ। ठीक है, अभी मैंने इसको एक्स फॉर्म, ये सिर्फ और सिर्फ रियल पार्ट है और ये इसका कंप्लीट है। तो अगर यहाँ पे मैं इसको इस तरह से लिख लूँ, वी कैन राइट दिस लाइक आयोटा, इस आयोटा को इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं और ई रेज्ड पर आयोटा डेल्टा लिख सकते हैं ना। हमने इसकी पार्ट को सेपरेट करके लिख दिया। अगर आप इसको कंबाइन लिखें तो पार्ट्स ऐड होके इस तरह से बन जाएंगे, तो इसी को लिखने का एक तरीका ये भी है। ठीक है, तो अगर हम इसको इस तरह से ले लें, अब ई आयोटा इसको मैंने अलहदा से कर दिया और ये टर्म जो है वो, ठीक है, और इस पूरे फैक्टर को मैं लिख रही हूँ अब ई सी। ठीक है जी, ई सी, ई सी रिप्रेजेंटिंग द कम्प्लेक्स एम्पलीट्यूड। यहाँ पे ये आपका रियल एम्पलीट्यूड था, अब क्योंकि इसमें एक कम्प्लेक्स एलिमेंट आ गया है, कोई भी फेज का पार्ट आ गया जो कम्प्लेक्स पार्ट होगा, तो ये आपका एक कम्प्लेक्स एम्पलीट्यूड बन जाएगा। ठीक है, इसको इसको अगर आपने ई सी को अगर आपने अब जो ई सी है, ई सी में आपके क्या मौजूद है? आयोटा पार्शल। ई सी किसके इक्वल है? ई इंटू ई रेज्ड पर आयोटा डेल्टा। तो आप इसमें से भी रियल और इमेजिनरी लिख सकते हैं। अगर आपको चाहिए कि आप रियल फॉर्म सिर्फ लें इसकी, इस साइन, इस ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड का रियल पार्ट लिखें, तो आप इसका भी रियल पार्ट ले लेंगे। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं कि आप इसका इमेजिनरी पार्ट लें, तो आप इसका इमेजिनरी पार्ट लिख सकते हैं। यानी कि आप ई रेज टू पावर आयोटा डेल्टा की बजाय आप क्या लिखेंगे? कॉज डेल्टा प्लस आयोटा साइन डेल्टा। तो अगर आपने रियल पार्ट लिखना है तो आप सिर्फ कॉज का पार्ट लिखेंगे, अगर आप इमेजिनरी लेना है तो आप साइन का पार्ट लिखेंगे। ये मैं आपको यहाँ बुक में दिखा देती हूँ, ये देखिए। ये देखें, यहाँ पे ये आपके पास कम्प्लेक्स आ गया, ई सी कम्प्लेक्स एम्पलीट्यूड है।
अगर आपने रियल ईसी लिखना है तो आप इसको लिख सकते हैं रियल ईसी इज इक्वल टू, इसमें आपका ई कॉस डेल्टा होगा, अगर आपने इमेजिनरी लिखना है तो ई साइन डेल्टा के फॉर्म में, ठीक है। तो अगर आप यहाँ से टैन डेल्टा निकालना चाहते हैं तो आपको पता है टैन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ओवर कॉज, साइन ओवर कॉज इज इक्वल टू टैन होता है। तो साइन क्या है आपके पास इमेजिनरी ईसी और कॉज आपके पास क्या है रियल ईसी, तो इमेजिनरी ओवर रियल आपको ये टैन डेल्टा की फॉर्म में देते हैं, ठीक है। तो इसी तरह की अब मैंने आपको दो चीज़ें दिखा दी हैं, आपके पास डेंसिटी ऑसिलेटिंग डेंसिटी है तो आप उससे किस तरह से जो है वो फेज वेलोसिटी निकाल सकते हैं, और अगर इसी तरह से अगर आप उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ऑसिलेटिंग ले रहे हैं तो आप उसको किस तरह से वेव की फॉर्म में लिखते हैं। इसी तरह से कोई भी क्वांटिटी जो है ऑसिलेटिंग क्वांटिटी है उसको जनरली जनरल लिखने के लिए हम इस तरह से लिख सकते हैं जी वन इज इक्वल टू, मतलब जनरल फॉर्म में लिख रहे हैं कोई भी क्वांटिटी, डेंसिटी है, चार्ज है, या आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो आप किसी भी क्वांटिटी को ऑसिलेटिंग क्वांटिटी को इस वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये सारे टॉपिक में आपने क्या पढ़ा है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेव, आप किसी वेव को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। वेव एक्चुअली क्या होती है, आप वेव को जब आप देखते हैं तो वेव ऑसिलेशन ही होती है पार्टिकल की, ठीक है ना। आपको अगर याद हो तो वैसे तो आपने पढ़ा हुआ है वेव है, वेव की बहुत सारी टाइप्स हैं, लॉन्गिट्यूडनल है, ट्रांसवर्स हैं, तो लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्स और ये वेव को जब आप डिफाइन करते हैं तो किस बेस पे करते हैं, उसके पार्टिकल्स की ऑसिलेशंस की वजह से, ठीक है। तो उनमें ऑसिलेटिंग बिहेवियर होता है पार्टिकल्स के अंदर, तो ऑसिलेटिंग बिहेवियर से ही जो है वो आप वेव को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट चीज़ आपने यहाँ पे पढ़ी है, एक तो आपने ऑसिलेटिंग क्वांटिटीज़ क्या है और आप वेव को किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और अगर आपने वेव को रिप्रेजेंट किया है डेंसिटी की फॉर्म में तो आप वहाँ से वो जो वेव है ऑसिलेटिंग वेव है वो किस वेलोसिटी के साथ प्लाज्मा में प्रोपगेट कर रही है या मूव कर रही है, तो जिस वेलोसिटी के साथ वो मूव कर रही है उसको आप फेज वेलोसिटी कहते हैं, और आपने अभी फेज वेलोसिटी का एक्सप्रेशन भी यहाँ पे ड्राइव किया है, ठीक है जी। अच्छा जी, इसके बाद फेज वेलोसिटी के बाद हमने पढ़ना है आगे ग्रुप वेलोसिटी, ठीक है। ये मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस करूँगी, फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी में सिर्फ मैं आपको ये बता दूँ, जब आप फेज वेलोसिटी जो होती है वो एक सिंगल वेव की वेलोसिटी, ये एक वेव है जो प्लाज्मा के अंदर मूव कर रही है, तो ये जो वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है वो आपकी फेज वेलोसिटी है। लेकिन जब आपके प्लाज्मा में एक से ज़्यादा वेव्स हैं, एक दो दो या दो से ज़्यादा वेव्स मौजूद हैं और वो एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, तो फिर आपने जब ओवरऑल उस सब की वेलोसिटी बतानी है तो फिर आप उसको फेज वेलोसिटी से एक्सप्लेन नहीं कर सकते, तो फिर हमने एक एवरेज वेलोसिटी से इन सब वेव को डिस्कस करना है। एवरेज वेलोसिटी को से हम इसकी वेलोसिटी जो है वो डिफाइन करते हैं और उसको हम ग्रुप वेलोसिटी कहते हैं, ठीक है। तो हम कहते हैं कि जब आपके पास बहुत ज़्यादा सिंगल वेव हो तो आप उसकी सिर्फ फेज वेलोसिटी बताते हैं, जब आपके पास टू या मोर देन टू वेव्स हों तो फिर आप फेज वेलोसिटी नहीं बल्कि फिर आपको ग्रुप वेलोसिटी डिफाइन करनी होती है। तो ग्रुप वेलोसिटी बेसिकली क्या होती है, ग्रुप वेलोसिटी जो है वो तमाम वेव्स की जो वेलोसिटी होती है उनका एवरेज होता है। तो उसको हम कल जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में ड्राइव करेंगे इंशाल्लाह। ओके क्लास, हाफिज़।